नाज़िम भारतीय जनता पार्टी के रियासी सदर और मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर पुंछ के दौरा पर हैं। आज दूसरे रोज भी उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर लोगों के साथ मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि मरकजी सरकार उनका हर किस्म का तआवुन करेगी। इस दौरान उन्होंने पुंछ में बनाई गई ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की यादगार पर भी हाजिरी दी और उनकी यादगार पर फूलों की मालाएं चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह मुहाफिज़े पुंछ हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी, ब्रिगेडियर प्रीतम। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी। ऐतिहासिक चौक है हमारा ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह चौक और उनकी प्रतिमा के सामने हम जहां पर आए हैं उनको नमन किया है, उनको फूलमालाएं चढ़ाई हैं और उनको याद किया है, क्योंकि पुंछ में कोई आए और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी को याद ना करे ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पुंछ आज जहां पर है ये ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी और उनके साथियों की देन है। अगर ब्रिगेडियर साहब प्रीतम सिंह जी उस समय हौसला ना देते यहाँ के लोगों को और अपने साथियों सहित यहाँ ना पहुँचते तो आज पुंछ शायद पुंछ नहीं होता। इसलिए आज हम जहाँ पर आए हैं और इनको भी याद किया और जो लोग उन दिनों ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी के साथ जिन्होंने काम किया है उनको भी जहाँ पर सम्मानित किया है। मैं जहाँ के हमारे जो MLC प्रदीप जी और जहाँ के सुनील जी और बाकी जितनी भी टीम है मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही षड्यंत्र किया है। 2014 के असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ जम्मू संभाग से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस के मात्र 3 विधायक जीते थे, लेकिन ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है। दिल्ली के अंदर और पर्दे के पीछे से एक ऐसा नेक्सस डेवलप कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गलत तरीके से सरकार बनाई जाए। ये जम्मू के जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, गद्दारी होगी। कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रवादी ताकतों की पीठ में छुरा घोंपा है और देश के साथ हमेशा गद्दारी की है। कांग्रेसियों ने हमेशा देश को बेचने का काम किया है। भारतीय सेना के जवानों को गालियां और आतंकवादियों के लिए तालियां बजाई हैं कांग्रेसियों ने। देश कांग्रेसियों को माफ नहीं करेगा और इस प्रकार का अगर षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी करेगी, ये जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर जम्मू की जो जनता है जम्मू संभाग की, उसके साथ कांग्रेस का बहुत बड़ा धोखा होगा।